एक महिला एक साल में 41 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार उसका पति उसे तब तक पीटता रहा जब तक उसका बच्चा पेट से नहीं गिर गया। हर बार की तरह मरे हुए बच्चे के लिए उसका पति जश्न के रूप में गीत गाता और नाचता था। 42वीं बार उन्होंने अपनी पत्नी को बच्चा पैदा करने की इजाज़त दे दी, लेकिन इस बार उसने एक इंसान जैसे राक्षस को जन्म दिया। उसके आसपास के सभी लोग थोड़ा डरे हुए थे। अजीब बात है कि पति मुस्कुरा रहा था। इसके बाद उन्होंने उसे एक फटा हुआ मास्क पहना दिया। उसे कुत्ते की तरह पाला गया। उसने कुत्तों के साथ खाना खाया और वह कुत्तों के साथ ही सोता था। हालांकि उसके केवल 3 पैर हैं, लेकिन वो जितनी तेज चाहे उतनी तेजी से चल सकता है। वो खुद को इनू हो भी कहता था। उसके जीवन में एक मोड़ आया जब एक अनजाने सीन ने इनू ओ के भाग्य को बदल दिया। उनके पिता एक फेमस स्थानीय डांसर थे। इस दिन वो अपने दोनों बेटों को डांस सिखा रहे होते हैं, लेकिन वे दोनों डांस में सनी डियोल के समान थे। 100 बार सिखाने के बाद भी वे एक भी डांस मूव नहीं सीख सके। दूसरी तरफ इनू हो ने बस डांस बाहर से देखा और इसे अच्छी तरह से सीखा। वो और भी बढ़िया डांस मूव बनाने में सक्षम था, इसलिए उसने इस उम्मीद में दिन रात डांस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि एक दिन उसका पिता उसे अपना लेगा। जब उसने डांस में कामयाबी हासिल की तो उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। एक अजीब घटना घटी। उसका कुत्ते जैसा पैर इंसान के पैर में बदल गया। वो इतना खुश हुआ कि वो अब अपने हाथों से भी डांस कर पाएगा, लेकिन सड़क पर लोगों की नजरें उसे अजीब ढंग से देख रही थी। इतना ही नहीं, जब वो किंडरगार्टन के पास से गुजरा तो बच्चे भी अजीब ढंग से नजरें गाड़े हुए थे, इसलिए उसने 8 साल से पहने हुए गार्ड मास्क को हटा दिया। गांव वाले डर गए और भागने लगे। वह रात में सैनिकों से हथियार छीनने के लिए अपने 4 मीटर लंबे हाथ का भी इस्तेमाल करता था। जब भी वे गुस्सा होते, इनूहो अपना मुखौटा उतार देता और वह डर भागते। जब एक बार वह गांव के पुल पर आया, उसकी मुलाकात एक अजीब लड़के से हुई। लड़के का नाम टमोना था। हालांकि वो अंधा था, लेकिन इस वजह से वो एक महान म्यूजिशियन बनने से नहीं रुका। उनकी मुलाकात गाने के जरिए हुई। लड़का वीणा बजाता है और इनू ओ डांस करता है। दोनों का मेल झोल काफी बेहतरीन है। फिर इनू ओ चोरी किए हुए स्टीम बैंड्स को टमोना के साथ शेयर करता है। दोनों जल्द ही जीवन भर के लिए बेस्ट फ्रेंड बन गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, दोनों भाई अभी भी डांस में लूजर ही रहे। उन्हें अपने पिता की डांस स्किल्स विरासत में नहीं मिल सकी। दूसरी ओर इनू ओ के डांस स्किल में दिन ब दिन सुधार हो रहा था। उनके अद्भुत डांस मूव्स को देखने के बाद म्यूजिक मास्टर भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उसके पिता को इनू हो के टैलेंट से जलन होने लगी और वह ये स्वीकार नहीं कर सके कि उनका फ्यूचर सक्सेसर एक राक्षस था, तो वो इनू हो को प्रैक्टिस करने से रोक देता है। इनू हो को भी नहीं पता कि वो राक्षस के रूप में पैदा क्यों हुआ। वो केवल इतना जानता था कि हर बार जब वो परफॉर्मेंस समाप्त करता था तो शरीर धीरे धीरे इंसान के रूप में वापस आ रहा था और वो आत्माओं की आवाज़ें भी सुन सकता है। ये वे सैनिक हैं जिन्हें छुड़ाया नहीं जा सकता। उनमें से हर एक की अपनी दुखद कहानी है। इन कहानियों से इनूहो को क्रिएटिव इंस्पिरेशन मिली। इन कहानियों को फैलाने के लिए उन दोनों ने उस रात स्टेज तैयार किया। इनूहो एक नए लुक के साथ स्टेज पर आया। उन्होंने दर्शकों को कहानी बताने के लिए डांस किया और उनका गाना बहुत सुहावना था। गांव वाले भी उनके साथ साथ डांस करने लगते हैं। दोनों जल्द ही फेमस हो गए, जबकि पिता की साइड लोग काम होने लगे। यहाँ तक कि आखिरी कुछ दर्शक भी इनूहो का डांस देखने गए। इस मोड पर उसके पिता इनूहो से और भी अधिक निराश हो गए। कई दौर के परफॉर्मेंस के बाद इनूहो के शरीर में केवल उसका चेहरा ही ठीक होना बाकी था। उस दिन दरबार से बुलावा आया। इनूहो को परफॉर्मेंस के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक शर्त थी। परफॉर्मेंस के बाद इनूहो को अपना मास्क उतारना पड़ेगा। अगर नकाब के पीछे किसी राक्षस का चेहरा हुआ तो उसे वही मार दिया जाएगा। दुष्ट पिता हर किसी को बताना चाहता था कि इनूहो वास्तव में एक राक्षस है, इसलिए उसने इसके लिए सहमत होने का फैसला किया। दरअसल इनूहो का दिल कह रहा था कि यह उसकी आखिरी परफॉर्मेंस हो सकती है। उस दिन उसके पिता अंधेरे में छिपकर इंतजार करते रहे। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि इनूहो ने स्टेज पर खुद को पागल नहीं बनाया। इसके बजाय उसने और अधिक जोश के साथ डांस किया। हर डांस मूव बहते हुए पानी की समान था। डांस में एक भी खामी नहीं मिली। उसी टाइम एक जादुई घटना घटी। उनके मन में बचपन की यादें भी ताज़ा हो गयी। ये पता चला कि इनूहो के जन्म से पहले उनके पिता को एक क्रिएटिव बॉटलनेक का सामना करना पड़ा था, इसलिए उन्होंने डेविल मास्क के साथ एक कॉन्टैक्ट किया। हर बार जब वो किसी म्यूजिशियन को मारता है तो उसके पास काम करने के लिए एक नई कहानी होती है। हालांकि म्यूजिशियंस की संख्या सीमित थी, उसकी इंस्पिरेशन भी मर गई। अंत में उसने बच्चे का व्यापार करने का फैसला किया, जिससे इनूहो पैदा होने से पहले ही एक राक्षस बन गया। डांस किंग के रूप में अपने सामने इनूहो को सोचकर उसने शैतान से इनूहो को मारने के लिए कहा, लेकिन अगले ही पल शैतान उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है, क्योंकि शैतान अब ऐसे गंदे और नीच आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके पिता की मौत पर जब सभी लोग खुशी मना रहे थे, इनूहो ने अपना मुखौटा उतार दिया। अब वह पूरी तरह से इंसान था। आखिरकार उसने सभी अभिशापों को तोड़ दिया था और अब उसका जीवन ब्राइट दिख रहा है।
हालांकि हम अपना ओरिजिन नहीं चुन सकते, लेकिन हम अपना भाग्य बदलना चुन सकते हैं। हालांकि भाग्य जन्म से ही अनसर्टेन होता है, लेकिन जब भगवान आपके लिए एक दरवाजा बंद कर देता है तो वो आपके लिए एक खिड़की भी खोल देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें।